Assalamualaikum, welcome back to my channel. आज की रेसिपी है चिकन निहारी, जिसको हम तैयार करेंगे होममेड निहारी मसाले से। ऑयल डालेंगे हम हाफ कप। निहारी में ऑयल ज्यादा जाता है। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तो अब हम इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर और 1 टेबलस्पून गार्लिक, ये मैंने फ्रेश चॉप करके डाला है। आप भी कोशिश करेगा तो फ्रेश जिंजर गार्लिक आप यूज़ करें तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 1 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे ऑयल में। फ्लेम हमारी मीडियम है। अब हम इसमें चिकन इस्तेमाल करेंगे। चिकन मेरी है हाफ के जी। चिकन को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। चिकन हमारी अच्छी तरह से भुन चुकी है। अब हम इसमें होममेड निहारी मसाला शामिल करेंगे, जिसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और ऊपर सजेशन में भी आ जाएगी। 2 टेबलस्पून हम होममेड निहारी मसाला शामिल करेंगे। वन टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। 2 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें हम नमक शामिल करेंगे, आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। 1/4 मैंने ये सिट्रिक एसिड डाला है, यानी कि 1 पिंच के बराबर, ऑप्शनल है। और हाफ मैंने नॉर्क की क्यूब ली है। और 4 टेबलस्पून के करीब मैंने पानी शामिल किया है। अब हम इन सब मसालों को अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा भुन रहा है, जब तक हम मैदा तैयार कर लेते हैं। आप चाहें तो आटा भी ले सकते हैं, मैंने इस वक्त मैदा लिया है। इसको हम सबसे पहले भूनेंगे बहुत ही हल्की आंच पे। 1/3 कप मैंने मैदा लिया है। बहुत ही लो फ्लेम पे हम अच्छी तरह आहिस्ते आहिस्ते इसको भून लेंगे। आप खुद देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा सा वाइट से लाइट ब्राउन हो जाएगा। जलाना नहीं है इसको हमने, बस हल्का सा कलर चेंज करना है इसका। ये देख सकते हैं आप, इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है। बस अब हमने इसको निकाल लेना है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी हमने अपने हिसाब से शामिल करना है, इतना कि ये अच्छे से पेस्ट तैयार हो जाए, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। नॉर्मल पेस्ट हमने इसका तैयार करना है। हाफ ग्लास मैंने पानी यूज़ किया होगा इसमें। आप देख सकते हैं कि मेरा ये तैयार हो चुका है, ना ये ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा ये गाढ़ा है। अब हम इसमें 1 गिलास पानी शामिल करके इसको हम हल्की आंच पे पका लेंगे, यानी उबाल आने तक। कवर कर देंगे हम इसको 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गए हैं। अब हमारी चिकन भी अच्छी तरह से टेंडर हो चुकी है। इस टाइम पे अब हम अपना फ्लेम ऑफ कर देंगे, क्योंकि इस वक्त हम इसमें से तरी निकालेंगे। जितना भी हमें इसमें से ऑयल मिलेगा हम वो यूज़ कर लेंगे, उसको हम आखिर में अपने जब सर्व कर रहे होंगे तब इसको हम शामिल कर लेंगे। आप चाहें तो बघार भी दे सकते हैं।
लेकिन जो इसका हम जो ऑयल निकाल के जो उसको आखिर में डालते हैं उसका कलर और उसका टेस्ट बहुत अलग आता है। इस तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता करके ऑयल निकाल लेंगे जो ऊपर इसका ऑयल आया हुआ है, इसलिए हम निहारी में शुरू में ऑयल ज़्यादा डालते हैं। क्योंकि अगर हम वैसे नॉर्मली हम जो बीफ यूज़ करते हैं या मटन यूज़ करते हैं तो उसमें ऑलरेडी आ जाता है ऑयल ज़्यादा, लेकिन चिकन में इतना ऑयल नहीं आ सकता, तो इसलिए हम इसमें पहले ही ऑयल ज़्यादा ऐड करते हैं। अब इसमें हम मैदा शामिल करेंगे या आप आटा भी डाल सकते हैं, और आहिस्ते आहिस्ते हम डाल के चमचा चलाते रहेंगे साथ ही साथ, यानी हमें साथ ही साथ मिक्स करना है ताकि कोई गुठलियाँ ना बने। आप देख सकते हैं कि मैंने 3 स्टेप्स में मैदा शामिल किया है। अब अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं 1 गिलास पानी शामिल करूंगी। अब ये आपके ऊपर है कि आप लोग कितना मतलब थिक पसंद करते हैं निहारी का मसाला या पतला पसंद करते हैं। हमारे यहाँ ज़रा पतला पसंद किया जाता है, तो इसलिए मैं पानी ज़रा ज़्यादा शामिल करूंगी, क्योंकि निहारी ठंडी होने के बाद भी गाढ़ी हो जाती है। अच्छी तरह उबाल आ जाए तो हम इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से स्टीम आ चुकी है और हमारी चिकन भी रेडी हो चुकी है। मुझे इतना ही पतला चाहिए था, तो मेरे लिए तो निहारी तैयार हो चुकी है। आपको अगर और थिक चाहिए तो आप इसको थोड़ी देर और भी पका सकते हैं, तो ये थिक हो जाएगी। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। अब टाइम है डिश आउट करने का, तो हम अपनी निहारी को डिश आउट कर लेते हैं। अब हम इसमें वो तरी शामिल करेंगे जो हमने निकाली थी। आप देख सकते हैं इससे कलर कितना प्यारा आया है निहारी का। गार्निश करेंगे अदरक से, हरी मिर्चों से और हरा धनिया से। निहारी हमारी तैयार हो चुकी है। आप भी निहारी होममेड मसाले से ज़रूर तैयार कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला सबको पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।